अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईद और आप देख रहे हैं सैयद बर्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर और आफियत से होंगे और अपने बर्स का रख लेंगे अच्छे से ख्याल। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप पे आए हैं माशाल्लाह से। ऐसा सेटअप पहले कभी आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये हमारे चैनल को एक एजाज़ हासिल है कि जितने नए से नए सेटअप होते हैं हम उसको दिखाते हैं, एक्सपोज करते हैं कौन कौन से उनके पास बर्ड्स होते हैं। माशाल्लाह से इनका नाम जो एवरी का नाम है HMR के नाम से है, और बहुत ज़बरदस्त इनका सेटअप अंदर से लगा हुआ है। अंदर विज़िट भी करवाऊंगा। इनके पास डफ की वैरायटीज़ लगी हुई है, अल्बाइनो की है, और मुख्तलिफ म्यूटेशन की जाओ वगैरह सारे अवेलेबल, और बहुत अच्छी ब्रीड भी आई हुई, चिक्स भी काफ़ी क्वालिटी में मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिखाएंगे और इसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दिया करें। तो चले सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिखा दें कौन कौन से इनके पास लगे हुए हैं। तो व्यूअर्स, इनका ये देख सकते हैं डफ का सेटअप है। यहाँ पे जावा इनके पास लगी हुई है, फोन जावा भी है, वाइट जावा है, सिल्वर जावा है, और बजीज़ वगैरह भी लगाई हुई हैं। मतलब यार देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त सेटअप। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं, ये आप डफ देख सकते हैं कॉलोनी में छोड़ी हुई, डफ का एरिया है और जावा वगैरह का है। एक एक करके आप तमाम आपको ये दिखाते भी रहेंगे। और चले अब आप तो शहबाज भाई, हम पहले आपके जावा का सेटअप कवर करेंगे। तो मुझे आप जावा में पैर बताएं जो माशाल्लाह से बस क्या है, कौन कौन से और रिजल्ट कैसा है आपके पास? आपने माशाल्लाह से ग्रे का पैर लगाया है, बताइए क्या? हाँ जी, ये फोम का स्प्लिट है, और ये माशाल्लाह से जो है सिल्वर भी देता है बच्चे, और ग्रे बच्चे भी देता है, और फोम भी देता है। तो ये फोम के भी निकले हुए? जी जी बिल्कुल निकले हैं। अभी इस वक्त दो बच्चे फोम के आए हुए हैं, और कभी तीन भी आ जाते हैं, कभी एक भी नहीं आता। तो मतलब इसका यही रेशो चल रहा होता है, इसमें कभी आते कभी नहीं आते। जी, ये तो अल्लाह को पता है। ये ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह, और इससे इसका ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जो फोन के चिक्स आए हैं आपके। बेसिकली सर ये तकरीबन 9 साल पुराने ही मेरे पास जो जोड़े चल रहे थे, तो वही चलते आ रहे हैं, अभी उन्हीं की नस्लें मतलब चल रही है ना। ये ज़बरदस्त यार, पुरानी ब्लड लाइन है। इसी तरीके से हमें कुछ और पैर भी दिखाए शहबाज भाई ज़रा। जी, जैसे कि अभी अगर आप पट्टे तो निकले हुए काफ़ी, अगर आप कवरेज कर लें, और अब जैसे वाइट इंटू वाइट का पेयर है, अभी तो खैर इसके चिक्स थोड़े छोटे हैं, क्योंकि फर्स्ट ब्रीड तो हम तकरीबन इसकी बेच चुके हैं ना, तो ये सेकंड क्लच चल रहा है। ये वाइट इंटू वाइट का पेयर है, तो माशाल्लाह 6-6, 7-7 बच्चों की एवरेज आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी जी, अब इसी तरीके से एक और आपको मैं फॉर्म के स्प्लिट का पेयर दिखा देता हूँ, जिसकी हैचिंग गालबन कल ही हुई है। सर पट्टे आप यहाँ कवरेज कर लें थोड़े। ये किसके पट्टे हैं? ये भी सिल्वर के? हाँ, ये ब्लैक ग्रे के, ये ग्रे के, ये ग्रे के पट्टे, ये भी ग्रे के, ये भी ग्रे के। एक और आपको ये दिखा देता हूँ मैं, ये भी वाइट इंटू वाइट का जोड़ा है, और ये देख लें माशाल्लाह रिजल्ट, आप 6 बच्चे हैं तकरीबन, दूसरा क्लच चल रहा है इसका। ज़बरदस्त। और इसी तरीके से ये सिल्वर का है, सिल्वर इंटू ग्रे का पेयर है, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से एक बच्चा ग्रे का है, बाकी सारे सिल्वर के ही हैं, ग्रे इंटू सिल्वर का पेयर है। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। ये कौन सा लगाया था, ग्रे और सिल्वर है? जी जी, ग्रे और सिल्वर है। और अब मैं एक और आपको दिखा देता हूँ पेयर, ये भी दोनों स्प्लिट ही हैं फोम के, तो इसमें हैचिंग कल या परसों हुई है, मगर इसमें इस वक्त एक बच्चा मुझे ये फोम का नज़र आ रहा है, रेड आई का, वो जो कोने पे बैठा हुआ है। अगर आप बोलें तो हाथ में पकड़ के दिखा देता हूँ। नहीं, दिखा दो, दिखा दो, वो कॉर्नर वाला बच्चा, ये दिख रहा है बिल्कुल। ये कौन सा पेयर लगा हुआ है? ये बेहू ग्रे टू ग्रे का है। मतलब ज़्यादातर इसमें आपके पास स्प्लिट है? नहीं, विजुअल भी लगे हुए हैं। नहीं, ग्रे की बात कर रहा हूँ, जो ग्रे के भी जब हम दिखा रहे हैं लोगों को। हाँ, जो जावा का जो हमारे पास स्प्लिट है वो ग्रे में ही होते हैं। ग्रे में ही होते हैं, ग्रे में ही ज़्यादातर होते हैं माशाल्लाह। पाइट में ये कौन सा वाला लगा हुआ है ग्रे के साथ? ये पाइट में सर ये तो पुराना पेयर है माशाल्लाह, तो ये ग्रे पाइट है और बाकी सिंपल ग्रे का नर है। तो इसके आपके पास चिक्स क्या आ रहे होते हैं? या इसके चिक्स ये 50-50 आते हैं, इसके चिक्स भी मैं दिखा दूंगा, एक आध चिक्स बचा हुआ है मेरे पास। अच्छा, इसका है। तो हाँ, तो इसके चिक्स 50 रेशियो पे ही आते हैं, आधे पाइड आ जाते हैं, आधे ग्रे आ जाते हैं। ये आपके पास चिक्स आए हुए शहबाज भाई, कौन कौन से इसमें है? ये
बस ये हमारे फर्स्ट क्लास की जो ब्रीड हमने बेची थी, जो एंड के चिक्स बचे थे उसमें से इसकी लॉट रह गई है। इसमें तो इसमें हमारे पास ये जो है वो माशाल्लाह से वाइट है, ग्रे वाइट के हैं और सिल्वर के हैं और फोम के हैं। फोम के तो ये सेल के लिए है, किसी को चाहिए तो? हाँ देखिए, सेल के लिए ही करते हैं काम, तो मतलब माल आता रहता है जाता रहता है। अभी वो जो आपने अभी केजेस की वीडियो बनाई है तो वो चीज भी निकाल के हम इसमें डाल देंगे, फिर एक साथ निकल जाते हैं। मतलब अगर किसी को चाहिए हो आपसे फोन के चीज चाहिए हो, जैसे सिल्वर के चाहिए हो, ग्रे के आपके पास आ रहे हैं माशाल्लाह से, तो ये मिल सकेंगे आराम से? जी जी बिल्कुल। कोई आइडियली रेट बता सकेंगे किसी को अगर चाहिए तो? हाँ जी, इंशाल्लाह मार्केट से रीजनेबल प्राइस ही होगा। ठीक है, और होम ब्रीड है हमारी और इंशाल्लाह क्वालिटी बर्ड है। ठीक है, तो जो भी इंशाल्लाह आपके तवस्सुत से आएगा तो जरूर उसके साथ करेंगे जितनी गुंजाइश हो जाएगी। तो मतलब ये हम समझेंगे मार्केट रेट से अच्छे रेट में मिलेगा इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स वैसे इंशाल्लाह शहबाज भाई जितने अच्छे रेट भी आपको अच्छे ही मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी कितने पेड़ लगे हुए यहाँ पे जावा से? 100+ होंगे माशाल्लाह। 100+ है जिसमें वाइट फोन सारे हैं और माशाल्लाह सबकी ब्रीड भी आपके पास आ गई। ये हमने दिखा दिए, अगर तो वो दिखाने का भी बोलिए चाहिए। इस तरह आपके डव की भी कुछ वैरायटीज वगैरह लगी हुई है? जी जी बिल्कुल। ये तो हमारी कॉमन डव है और यहाँ पर जो है ये म्यूटेशन है। ये पाइड डव है आपका? ये डायमंड पाइट के आपके पास कितने पेड़ लगे हुए? डायमंड पाइट के अराउंड ज्यादा नहीं है, 10-12 हैं। 10-12 है। ये साथ में नीचे भी इसी तरीके से लगे हुए? ये तो वर्किंग के पेड़ हैं, मतलब थोड़ा हम इसके लिए कि नई म्यूटेशन वगैरह में काम कर रहे हैं उसके लिए ना। तो नई म्यूटेशन क्या बना रहे भैया? नई म्यूटेशन मतलब इसमें काफी मुख्तलिफ है, जैसे रेड पाइट होती है, मतलब एक ऐसा वर्किंग जैसे एक होती है साइड पे, रेड पाइड हो गई, ब्लू पाइड हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो है ना। तो मतलब ये तो अभी टेस्ट ब्रीड इसकी कर रहे हैं हम ना। बाकी मैं आपको अपने घर के चिक्स दिखा देता हूँ, स्नो वाइट के ये वाले। ये सारे कॉमन है? ये तो कॉमन है, अब इनका दौर तो अपडेट हो गया है। ये तकरीबन अराउंड 100 पेयर हमारे पास लगे हुए, लेकिन इंशाल्लाह ये रायगा नहीं जाएंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ काम करेंगे। ये काम करेंगे जी जी। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ मजीद डब जो है हमारे पास। चले मेरे साथ। ये हमारे देखें घर के चिक्स आए हुए हैं माशाल्लाह, इन पर हमारे क्लोज रिंग भी चढ़े हुए हैं। ये देखें आप, ये स्नो वाइट का पट्टा है रेड आइज में, स्नो वाइट का ये जी जी प्योर रेड आइज में। उसके पीछे जो है वो फॉर्म में और कौन कौन से इसमें रेड वगैरह भी लिख रहे हैं जी। इसमें रेड भी है, सेनेमन भी है और डायमंड पाइट का इसमें कोई नहीं है। डायमंड पाइट का इसमें कोई नहीं है। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ अभी डब का सेक्शन में, जैसे ये हमारे लगे में 20 जोड़े वो रहे, 10 जोड़े तकरीबन अराउंड 100 के करीब जोड़े। ये देख लें आप, ये मैंने फॉस्टर करा हुआ है, स्नो वाइट का बच्चा है, 3 बच्चे पाल रहे हैं, 2 सिनेमन के हैं, वो रेड आइज में है बच्चा जो बड़ा वाला है। ये कॉमन पाल रहे जी जी, कॉमन से पलवा रहे हैं। मतलब इससे भी फॉस्टिंग आपने करी हुई? जी जी वही कह रहे हैं ना कि इंशाल्लाह इसकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। जबरदस्त, मतलब इसको इस काम के लिए बंदा यूज कर सकता है, लोगों ने तो बिल्कुल ही गिरा दी एक तरीके से। करके भी दिखा देता हूँ, ये देख लें आप, प्योर ये हमारा, इस पर क्लोज रिंग भी डाला हुआ है HMR एवरी, और ये देखें रेड आइज में माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह। जी जी, मतलब आपने क्लोज रिंग भी अपने नाम के इसमें डाले में, अगर किसी को आराम से आसानी हो सके पहचानने। देखिए क्लोज रिंग तो म्यूटेशन को डाल देते हैं, जो म्यूटेशन के बच्चे होते हैं चाहे वो बजरीगर में हो या जिसमें भी हो ना। तो वैसे शहबाज भाई जो आप दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी आपके पास माशाल्लाह से इसकी वैरायटी आगे आने वाली है, क्योंकि तो आपको मौसम टन की तरफ जा रहा है, मगर आपने जिस तरीके से सेटिंग करी तो इंशाल्लाह ब्रीड आपके पास अच्छी आएगी। तो ये भी अवेलेबल हो जाएंगे इनके चिक्स वगैरह पाइट के चाहिए और किसी भी उसमें चाहिए हो डब में? हाँ जी जी बिल्कुल, डायमंड पाइट के आपको मिल जाएंगे चिक्स, स्नो वाइट के मिल जाएंगे, सही फॉर्म के मिल जाएंगे, और बाकी के ज़रा थोड़ा हम इनके लिए वर्किंग कर रहे हैं ना, तो इसलिए रोक रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। जैसे जब गर्मियाँ आती हैं लवबर्ड थोड़ा स्लो होता है, तो फिर ये कि जब तक इसकी वर्किंग तैयार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ पाइट के आपके लगे हुए? जी जी बिल्कुल। अब जैसे क्रॉस करा हुआ है हमने सिनेमन के साथ, और जैसे ये देख लें आप चिक्स, ये भी मतलब हमने फॉस्टर करा हुआ है कॉमन में। अच्छा ये आप बता रहे थे कि यहाँ पे आपने छोड़ा पोस्ट करा हुआ, तो कौन सा पेड़ है जी? ये सिनेमन की है,
और इसके साथ एक कॉमन डफ का है, तो ये कुछ एक निकला है बच्चा, अभी ये बनता क्या है तो फिर ही पता चलेगा कि कॉमन ही है, कॉमन डव है कि क्या है। ये भी माशाल्लाह से एक देखें, एक में बैठा हुआ, ये तो कॉमन ही है, कॉमन ही है। हाँ, ये नीचे देख लें सिक्स, ये जो निकला है ये फॉस्टर करा है हमने, हालांकि एक कॉमन डायमंड डव का जोड़ा है। ये कुछ बजीज वगैरह भी लगाई हुई है आपने? हाँ जी, अंडर साइज हैं और कुछ ये अपनी वर्किंग के लिए एक ऐसा क्रॉस में वो के साथ लगाया हुआ है, इसके भी सिक्स हैं मेरे पास, वो दिखा देता हूँ। अब जैसे ये है तो ये हुगो के साथ मैंने अंडर साइज के लगाए हुए हैं, तो ये देखें ना, असल में ब्रीड पे मादी हैं तो थोड़ा सा इनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है ना, तो माशाल्लाह वर्किंग पेयर्स हैं सारे। ये पूरा सेक्शन जो बजरीज का है ना, ये पूरा मतलब अंडर साइज सारा भाई। जी जी, तो ये कितने पेयर लगे हुए आपके पास? अराउंड 30-40 पेयर हैं सर। 30-40 पेयर आपके? कौन से पेयर आपके पास? ये TCB है। TCB है जी जी। तो ये माशाल्लाह इसका साइज वगैरह काफी जबरदस्त आ रहा है। जी जी। तो इसके भी आपके पास चिक्स वगैरह आते हैं? जी जी बिल्कुल, वो वहाँ अवेलेबल। अच्छा, जो भी हमने दिखा रहे थे तो व्यूअर जो चल रही वीडियोस में आप देख सकते हैं, चिक्स भी इनके काफी माशाल्लाह जबरदस्त है। तो ये शौक भी चल रहा है आपके साथ, इनके साथ साथ बजरी भी? जी जी बिल्कुल, ये तो बड़ा पुराना शौक है, मुख्तलिफ कलर्स में आते हैं तो एक बड़ा दिल को भाता है ये ना। मतलब ये पुराना शौक हो गया, जहाँ जिस सेटअप पे जब बजरी है उन्होंने लाजमी जो एक पुराना बर्ड है वो साथ में रखा। मैंने अभी रिसेंटली खत्म किए तकरीबन 150+ पेयर पे, जिसमें कॉमन बजरी भी बहुत है। ये माशाल्लाह से आपके पास कॉमन के सारे पट्टे, मतलब पट्टे या बड़े भी इसमें कुछ? बस ये बड़े हो गए, मैच्योर हो गए। ये मैच्योर हो गए? हाँ, ये कॉमन के जो भी हमारी ब्रीड आती है तो वो हम इसमें छोड़ देते हैं और म्यूटेशन के बच्चों को हम अलग रखते हैं, तो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं ना। ये माशाल्लाह से आपने इसको काफी बड़ी कॉलोनी दी हुई है। जी जी बिल्कुल, कुछ ऊपर भी इसमें चिक्स वगैरह बैठे हुए हैं। देखिए 100+ पेयर कॉमन डफ के हैं तो अराउंड 150 पट्टा तो आ ही जाता है ना तकरीबन, तो वो फिर कहाँ रखेंगे। तो थोड़ा मजबूत जान होता है माशाल्लाह से, तो कॉलोनी में चल जाता है, लेकिन म्यूटेशन का दम नहीं छोड़ते। फ्लाइंग वगैरह भी इसमें अच्छी मिल जाती है? जी, बेहतरीन मिल जाती है। फिर जब ऑर्डर लगता है तो वो इकट्ठा ले जाते हैं लोग, इकट्ठा ले जाता है। कॉमन भी अवेलेबल है, किसी को चाहिए तो ले जा सकता है। बिल्कुल, तो ये वही मार्केट रेट पे ये भी अवेलेबल होंगे? जी जी बिल्कुल अवेलेबल होंगे। पिंचेस की कॉलोनी भी आपने काफी बढ़ाई हुई है, ये बताएं कितने पेंसिल होंगे आपके पास ये पेयर? नहीं सर, कभी नहीं गिने ना, ये बेचने के लिए हैं बस, ये कैसा शौकिया रखी हुई है, जब बैठते हैं देखते हैं तो मजा आता है। मतलब इनकी वो साउंड से जो टी टी करके आवाज आती है उसी को एंजॉय कर रहे होते हैं। खैर, यहाँ तो लव बर्ड से इनका साउंड फील नहीं होता लेकिन बस एक वैसे ही एक आंख को अच्छी लगती है, थोड़ा एग्रेसिव परिंदा हिलता रहता है, उड़ता रहता है। नहीं नहीं जबरदस्त माशाल्लाह, पिंचेस भी आपने हर चीज को अपने साथ पूरा मेंटेन करके रखा हुआ, कॉलोनी दी भी आपने इतनी जबरदस्त। लोग तो समझते यार दाना महंगा, तो लोगों ने निकालना शुरू कर दिए। नहीं नहीं यार, परिंदा भी अपने नसीब का ही खाता है। जबरदस्त ये चीज़ होती है ना यार, के मसाला सच्ची दाना भी अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है और साइज वगैरह भी ग्रेट हो गई। वरना लोगों ने तो एक तरीके खत्म करी यार, दाना महंगा है हटा दो, फिंचेस क्या करना। नहीं नहीं, बहुत और नहीं होना चाहिए, जानदार चीज़, जानदार चीज़ है, ये होती बात ना। शहबाज भाई, ये आपके माशाल्लाह से कुछ चिक्स आपसे हमने कह के निकलवाए, ये बताइए कौन कौन से चिक्स है आपके पास? ये वर्किंग है हमारी, इसमें आपको दिखाना चाह रहे हैं, और ये जो फॉर्म का आप देख रहे हैं बच्चा जिसके सर पे ब्लैक हेड आया हुआ है, इसका हम आपको विजुअल जोड़ा भी दिखा देते हैं अभी सईद भाई। और ये हमारी वर्किंग है, तो क्योंकि आगे जैसे जावा का दौर चल रहा है और लोगों के साइज़ इसके छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, तो एक साइज़ को भी बेहतर बनाने के लिए, प्लस क्वालिटी को भी और प्लस रेटों में भी आपको ये सस्ता पड़े थोड़ा, तो इसकी हमारी मतलब माशाल्लाह वर्किंग वर्कशॉप कामयाब हो गई है और अब हम इसके जो है इंशाल्लाह ब्रीड ले रहे हैं। मतलब कुछ आपके पास जैसे स्प्लिट टू स्प्लिट में लिखा है उसमें भी माशाल्लाह से ये आपके पास फोन निकले जी जी। तो अगर इस तरीके से ये आप बता रहे हैं कि अगर कोई लेता है तो स्प्लिट के साथ लगा सकते हैं, विजुअल के साथ भी अगर लगाएं तो मजीद ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग होगी और सस्ते पेयरिंग में से आपके पास एक अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे, बिल्कुल साइज भी बनेगा, मोर्टेलिटी भी कंट्रोल हो जाएगी आपकी, बहुत इसके बेनिफिट्स हैं ना। ठीक है, और ये इसमें आपके पास ये सिल्वर भी है? जी जी सिल्वर भी है। तो व्यूअर्स, ये आपको अलग से चिक्स दिखाने का मकसद ये था कि देखें माशाल्लाह से इनके स्प्लिट टू स्प्लिट में से भी अच्छे चिक्स आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमारे पास सस्ते बर्ड्स में से कोई अच्छे चिक्स निकले, तो इस तरीके से ये चिक्स भी आ जाते हैं और इससे मजीद ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग है। शहबाज भाई, यही है, देखें मैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि स्प्लिट टू स्प्लिट से विजुअल फॉर्म नहीं आता, तो ये भी आपके सामने है। एक तो मैंने आपको पिन फेदर के चिक्स भी अभी दिखाए हैं थोड़ी देर पहले, और इसी तरीके से इसमें देखें विजुअल भी आ रहा है, विजुअल भी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जो ग्रे का पेयर भी मैंने आपको दिखाया,
उसमें से भी ये देखें आ रहे हैं, विजुअल भी आ रहा है। तो ये एक ज़बरदस्त वर्किंग है मेरे ख्याल से आपके जी, आने वाले दौर के लिए जिस तरीके से जावा में लोग आ रहे हैं और दिन ब दिन जावा की मार्केट ऊपर जा रही है, उस हिसाब से इसकी मोर्टेलिटी कंट्रोल करने के लिए, जैसे अल्बाइनो में लोग जो है वो ब्लैक आई स्प्लिट इनो लगाते हैं, तो इसी तरीके से जावा में भी फिर वर्किंग कोई ना कोई तो होनी चाहिए ना। कोई बिल्कुल, फिर आगे भी इसकी म्यूटेशन बड़ी आ रही है, जैसे पेस्टल आ रही है फॉर्म में वगैरह वगैरह जो भी आ रही है, तो उनमें भी जाहिर बात है वर्किंग काम आएगी ओपल के साथ क्रॉस करने में, एक्स वाई जेड जो भी है, मतलब आगे फ्यूचर के लिए बहुत जबरदस्त बेहतरीन है। आप इसके साथ फिर एग्जीबिशन का अगर क्रॉस करेंगे तो जाहिर बात है और ज्यादा स्प्लिट एक होगा तो साइज और ज्यादा आपका कंट्रोल होगा। तो ये चिक्स अगर किसी को चाहिए भी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे तो जरूर मिलेंगे सर। तो बस हम दिखाने का मकसद हमारे ये तो कि देखिए यार मार्केट में लोग आ रहे होते हैं और इस तरीके से अगर अच्छी चीजें मिलती है तो जबरदस्त फायदा। सईद भाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी काम किया है वो क्वांटिटी में ही किया है, हमने डब भी रखी है, चिक भी भले रखी है, क्वांटिटी में ही रखी है। क्वांटिटी में रखने का मकसद ये है कि कोई भी क्लाइंट जो है वो फिर अगर बात उससे हमारी बन जाए तो कम से कम उदास हो गया, खाली हाथ मतलब ना जाए ना, मतलब ये जबरदस्त ये है सिलसिला। बाकी माशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे यार, जो नसीब में होगा वो होगा। नहीं माशा इससे माशाल्लाह से साइज़ भी बड़ा ज़बरदस्त हो गया और कलर भी अच्छे हो जाएंगे जब अगर फोन टू विजुअल के साथ भी लगाते हैं, स्प्लिट टू स्प्लिट में भी ये ज़बरदस्त वर्किंग है आपकी। जी जी बिल्कुल, इन्हें क्लोथ रिंग भी हमने अपने नाम के ही पहनाए हुए हैं HMR एवरी के। ये रिंग से भी फायदा हो जाएगा, अगर कोई DNA वगैरह करवा रहे तो उसके लिए भी आसानी होगी, मस्त है। और प्लस कल को अगर वो हम पे क्लेम करे कि भाई हमने स्प्लिट नहीं दिया तो हम अपना रिकॉर्ड तो चेक करके बता सके ना, ठीक है कि भाई देखे ये हमारा रिंग ये बता रहा है और ये स्प्लिट ही था, आप कैसे कह रहे हैं कि ये नहीं है, क्योंकि क्लोज रिंग है बिल्कुल ये। चले बहुत जबरदस्त, और ये खाली म्यूटेशन के ही पट्टों में डाल दें, नॉर्मल हमारा कलर लोटिनो है या जैसे आम चीज़ें हैं उनमें आम डब है उसमें नहीं डाल दें, उनकी जो म्यूटेशन होती है उसमें हमारे पास बजरी गर्जी क्यों ना है, म्यूटेशन में हम रिंग क्लोज रिंग डालते हैं, क्लोज रिंग डालते हैं, जबरदस्त उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है पूरा। तो व्यूअर्स वीडियो बनाते हुए आपको पता चला होगा थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, लाइट गई थी, उसके बावजूद भी क्योंकि काफ़ी बड़ा सेटअप था कवर करने में थोड़ा सा हमें मुश्किल दरपेश आ रही थी, मगर इसमें हमारे एक जबरदस्त बंदे ने हेल्प करी। हाँ वो आ जाओ यार, ये देखें माशाल्लाह क्योंकि साथ साथ आ जाए। क्या हाल है आपके? ये माशाल्लाह मेहदी भाई ना? जी जी, ये मेहदी भाई है और ये बड़े करीबी दोस्त हैं हमारे और हमारे साथ ही होते हैं, और इनका भी अपना सेटअप है कोरंगी मेहरान टाउन में, और इंशाल्लाह सईद भाई अनकरीब उसकी भी वीडियो आप लोगों को बनाएंगे आप लोगों के लिए। मेहदी भाई ये बताया भूल गए थे, माशाल्लाह क्योंकि हेल्प कराते थे पूरे एक एक बॉक्स से एक एक चीजें दिखाते थे। मेहदी भाई कैसा सेटअप लगा ये आपको, किस तरीके से? बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है ना हम और भी इसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये मतलब आपके साथ? जी जी बिल्कुल, हमारा बिल्कुल एक बिल्कुल बड़ा क्लोज रिलेशन है और बड़ा 16-17 साल पुराना रिश्ता है दोस्ती का, और बस ऐसे और चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। अल्लाह आपकी दोस्ती को नजर ना लगा माशाल्लाह से यार, जबरदस्त क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा है काफी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, किस तरीके से एक एक चीज चेक कर रहे हैं। हमें कोई हेल्प चाहिए होती है जैसे आज ही भाई आ गए, कभी इन्हें चाहिए होती है तो हम चले जाते हैं, तो इस तरह मिल बात के ही चलते हैं। कैसा लग रहा होता मतलब ये शौक आपको, कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। शुरू में तो हम लोग ऐसे जो है ना इसे शौक ही करते थे, आप अल्लाह का शुक्र है मतलब जो है ना साइड एक बिजनेस बन गया प्रॉपर। वैसे भी मेरा जो मेन जो काम है वो तो कैटरिंग है, लेकिन साथ में इसका शौक करते गए, आप अल्हम्दुलिल्लाह समझ लो ये कैटरिंग जैसे ही मतलब मुनाफा दे रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत जबरदस्त। अच्छा काम के साथ लगा के इनको माशाल्लाह से जबरदस्त। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग की मोहब्बत है। तो व्यूअर्स मुझे शहबाज भाई को, मेहदी भाई को, आमिर भाई, बाकी एक बात यही मैं करना चाहूँगा कि मतलब जैसे इन्होंने मतलब मेरे साथ तो मतलब 11 साल के जब से मैं कमर्शियल काम के हिस्से में आया हूँ, तो ये मेरे लिए एक मिसाल है कि मेरे पास अगर कोई नया फ्रेंचर भी आता है तो मैं इसकी सभी उसको दिखाता हूँ, एक आईना दिखाता हूँ कि ये भी था जैसा बताया गया, जैसे किया गया वैसा इन्होंने करा, और आज माशाल्लाह से ये इतने स्टेबल हो चुके हैं कि ये किसी को अपनी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जबरदस्त, तो दपेट के नाम से इनका सेटअप है, दपेट और कोरंगी मेहरान टाउन के अंदर। आपने भी लंबर्स वगैरह सारे म्यूटेशन? हाँ जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह साहब की। तो व्यूअर्स अनकरीब इनका भी इंशाल्लाह सेटअप आपको जरूर दिखाएंगे। तो मुझे शहबाज भाई को, मेहदी भाई को, स्पेशली आमिर भाई को यार जो सबसे ज्यादा मेहनत एक तरीके से वही कर रहे होते कैमरे के पीछे खड़े होकर एक एक चीज को कवर करना। आमिर भाई कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू यार कि आप हमारी इतनी हेल्प करते हैं, पूरी वीडियो माशाल्लाह कवर करते हैं। तो भाई
ड्यूटी जो है वो किसी न किसी तरीके से देनी पड़ती है, हर इंसान की ड्यूटी है। आप कैमरे के आगे होते हैं, हम कैमरे के पीछे होते हैं। तो अजान शुरू होने वाली, तो मुझे मेरे दोस्त आमिर को, मेहदी भाई को, शहबाज भाई को इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।